2019 की जंग में प्रियंका चुनावी रंग में। लखनऊ में प्रियंका की फुल नाइट बैठक, पूरी रात कार्यकर्ताओं से प्रियंका के सवाल जवाब। जमाने से निराशा और उदासी के अंधेरे में डूबे यूपी के इस कांग्रेस दफ्तर में पिछले 3 दिनों से अचानक रौनक लौट आई। कुछ दिन पहले तक लगता था कि यूपी में कांग्रेस की अपनी जड़ ही नहीं है, लेकिन अब अचानक आईसीयू से ये पार्टी तोड़ने के लिए उठ पड़ी। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोई हुई कांग्रेस को फिर से जगाने का काम किया। मेगा रोड शो के बाद वो वहां लगातार मैराथन बैठक कर रही हैं। मंगलवार को लखनऊ में बैठकों का दौर शुरू हुआ तो करीब 16 घंटों तक चला। उन्होंने लगभग 12 लोकसभा सीट के पार्टी नेताओं के साथ अलग अलग बैठक की। उसके बाद फिर बुधवार को भी 12 लोकसभा सीटों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और पार्टी की जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश की। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत समय तक मेरा इंतजार किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और उनसे बहुत सीखने को मिल रहा है संगठन के बारे में, उनके क्षेत्र में संगठन कैसा है, डिस्ट्रिक्ट की कमेटियां कैसी हैं, ब्लॉक की कमेटियां कैसी हैं, सब जानकारी मैं ले रही हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश की जिन 41 लोकसभा सीटों को जीतने का जिम्मा कांग्रेस ने प्रियंका को थमाया है, उनमें से जिनमें पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी को केवल 2 सीटें मिली थी, लेकिन प्रियंका के होने भर से कांग्रेस के ये नेता कार्यकर्ता गदगद। कुछ नहीं, उनको ना अभी 1.5 महीने का समय है, ना वो हर जगह का दौरा कर सकती हैं और ना ही वो हर जगह पहुंच सकती हैं। वो दौरा तो उस समय होगा जब मैंने टिकट किसी को हो गया है तो क्षेत्र में दौरा करना वाजिब है, वो जाएंगे ही जाएंगे। फूलपुर लोकसभा से मैं मिल के आया, एक आदमी से, एक एक लोगों से उन्होंने बात पूछा। हमने ऑफर किया कि आप इलाहाबाद संसदीय सीट फूलपुर में लड़े, पंडित जवाहरलाल थे, उन्होंने कहा मैं नहीं लड़ूंगी, आपको इस कुरुक्षेत्र में मुझे सेनापति बनाइए, आप सेना बनने के लिए तैयार? हम लोगों ने कहा सेना बनने की तैयार हैं। और माननीय, ये कत्ल की रात है, एक कत्ल की रात में आप देखिए 4:45 बज रहा है ना, मिसाइल का हमला सीधे नागपुर ही नहीं, मोदी के गुजरातियों जो देश को लूट कर गए हो, प्रियंका गांधी की एनर्जी उनको बेकार और खैकार कर देगी। प्रियंका ने पहले ही तय कर लिया था कि वो हर सीट के नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बात करके फीडबैक लेने का काम करें। इन मुलाकातों का मतदाताओं पर कितना असर होगा मालूम नहीं, लेकिन पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जोश में जरूर है। प्रियंका जी के आने से बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, जिसको आज आप लोग देख रहे हैं। एक सुबह के 10 बजे से लेकर यहाँ तांता लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है और 5 बज रहे हैं, भोर के 5 बज गए हैं। और इस उत्साह को देख के आपको लगता है कि कांग्रेस में जान, बहुत ज्यादा जान आ गई है और जो है प्रियंका जी के आने से बहुत ज्यादा ही परिवर्तन हुआ है। उनकी मांग थी कि आप ऐसा करेंगे, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा भरोसा कार्यकर्ताओं पे जताया कि नहीं, कार्यकर्ता ही हमारी जगह लड़ेंगे और कार्यकर्ता ही जीत करके पूर्वांचल को बड़ी से बड़ी संख्या में लाएंगे। इस बदले बदले माहौल में प्रियंका के लिए चुनौतियां बढ़ी। प्रियंका के लिए पहली चुनौती है महज 2 महीनों में लड़खड़ाती कांग्रेस को जीत का धावक बनाने। दूसरी चुनौती, जिन 41 सीटों पर जीत का जिम्मा प्रियंका के कंधे पर है उनमें से केवल 2 सीटें ही कांग्रेस के पास है। तीसरी चुनौती, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वोट बैंक नहीं रह गया है। साफ है कि प्रियंका के करिश्मे का इम्तिहान होना बाकी है। देखो, हमने पहले कहा ना कि कांग्रेस पार्टी बेनामी सल्तनत का सुल्तान बनने की कवायद कर रही है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बिखर चुकी है, टूट चुकी है, उसको किस तरह समेटा जाए इसकी कोशिश है ये। और साथ ही साथ जो है वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश है, अपने ही जो उनके सहयोगी हैं, अपने साथी हैं, उनको दिखाने की कि हम भी कुछ हैं, मैं हूं ना, ये स्थिति है और उसके अलावा कुछ नहीं है। ये खुद टूटी हुई बिखरी हुई कांग्रेस पार्टी को समेटने की कोशिश है और कांग्रेस की बेनामी संपत्ति का सुल्तान बनने का प्रयास है। प्रियंका के लिए केवल यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने की ही चुनौती नहीं है, बल्कि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के अदालती चक्कर भी उनके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। हालांकि जब इस बारे में उनसे पूछा गया तो वो बोली, ये चीजें चलती रहेंगी लेकिन वो पार्टी का काम करती रहेंगी।
ये चीजें चलती रहेंगी, ये चीजें चलती रहेंगी। मैं अपना काम कर रही हूँ। ठीक है भैया जी, बिल्कुल नहीं, मैं काम कर रही हूँ। भैया जी, मुकाबला होगा, मोदी से मुकाबला होगा भैया जी। साफ है कि आने वाले दिनों में प्रियंका के लिए चुनौतियां और बढ़ेंगी, पार्टी स्तर पर भी और परिवार स्तर पर भी। देखना यह है कि प्रियंका उसका सामना किस तरह करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।